हेलो लिसनर्स, नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त और आज की हुनरमंद होस्ट विनीता और मेरी सहयोगी हिना आपका स्वागत करते हैं हमारे शो पर, जिसका नाम है आपका हुनर आपकी पहचान। तेरा हुनर हुनर तेरी कदर कदर। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। अरे हिना, तुम बहुत देर से आई हो यार। सॉरी यार, क्या बताऊं तुम्हें, घर की बिजली अचानक गुल हो गई। बिजली अचानक गुल हो गई, कैसे हुई? शॉर्ट सर्किट हो गया था। कल ही मेरे रूम के स्विच बोर्ड पर नया सॉकेट लगवाया था। आज उसी सॉकेट में प्रेस का प्लग लगाकर कपड़े प्रेस करने लगी तो आग लग गई और बिजली गुल हो गई। ओ गॉड, आग फैली तो नहीं? कैसे बुझाई आग? वो तो मेरा दिमाग काम कर गया और मैं झट से बालकनी में पड़े एक सूखे गमले से मिट्टी लाई, सॉकेट पर डाल दी और आग बुझ गई। तुमने तो बहुत समझदारी दिखाई, वरना कुछ लोग ना समझी में बिजली से लगी आग को पानी से बुझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें करंट लग जाता है। मुझे तो बहुत गुस्सा आया उस बिजली वाले पर जो कल नया सॉकेट लगा कर गया था। कितना लचर काम किया था उसने। हाँ वाकई, बिजली प्लम्बिंग आदि के काम तो उन्हीं कारीगरों से करवाने चाहिए जिनके हुनर पर हमें भरोसा हो। पापा तो हमेशा हुनरमंद कारीगरों से काम करवाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि हुनर की कदर आती है हुनर के तजुर्बे से। चलो काम करें, कुछ सीखें, कुछ नाम करें, कुछ तुम जानो कुछ मैं जानूं, मिलजुल कर नए कमाल करें। चलो काम करें, चलो काम करें, चलो बिजली बनाए, चलो कार बनाए, हंसता खेलता परिवार बनाए, ओ दुनिया में देश का नाम करें। चलो काम करें। ये कैसी आवाज है? हो हीना, तुम भूल गई, ये नारद ऐप की आवाज है। अच्छा, वो नारद ऐप? हाँ वही नारद ऐप, बिल्कुल सही वक्त पर अलर्ट आया है। जरूर कोई नई समस्या या कंप्लेंट रिकॉर्ड होकर आई होगी। चलो मैं रिकॉर्डिंग चेक करती हूँ। हाँ विनीता, आज किस समस्या का समाधान तुम्हारे श्रोता जानना चाहते हैं? हे नारद जी, नॉर्थ कैंपस के पास संजय बस्ती में रहने वाली एक साधारण घर की रमा बहन की एक गंभीर समस्या आई है। रमा की हुनरमंद लड़की है बबली, वह केवल 10वीं पास है और चाहकर भी आगे पढ़ नहीं पा रही है घर की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से। बबली को घर चलाने के लिए मजबूर होकर अपनी माँ के साथ कई घरों में सफाई आदि का काम करना पड़ता है। नारायण नारायण, तुमने बताया कि बबली हुनरमंद है, अतः उसके पास अवश्य कोई हुनर होगा। हमें उसके हुनर को तराशने की आवश्यकता है। हाँ नारद जी, बबली को स्वयं सजने सवरने और दूसरों को सजने सवारने का बहुत शौक है। उसे सजने सवारने की बारीकियां भी अच्छे से पता है। विनीता, बबली को ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर उसके इस हुनर को और अच्छी तरह तराशा जा सके। इस संबंध में कौशल विकास मंत्रालय का स्किल इंडिया मिशन तुम्हारी मदद कर सकता है। आओ तुम्हें मिलवाते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अर्थात NSDC प्रशिक्षण केंद्र की एक संचालिका से। नारायण नारायण। तो चलिए मिलते हैं उत्तरी दिल्ली यानी नॉर्थ दिल्ली में NSDC यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से इस प्रकार के ट्रेनिंग देने की संचालिका अर्थात ट्रेनिंग प्रोवाइडर मिस मीनाक्षी मेहरवाल से। दोस्तों आइए हम बबली की समस्या के समाधान के विषय में मीनाक्षी जी से बातचीत करते हैं। नमस्ते मीनाक्षी जी, DUCR 90.4 MHz में आपका स्वागत है। नमस्ते विनीता जी, आपके श्रोताओं को भी स्किल इंडिया की ओर से नमस्कार। मीनाक्षी जी,
हमारे यहाँ की रमा बहन की एक हुनरमंद बेटी है बबली, और उसकी एक समस्या आई है। बबली हुनरमंद होते हुए भी अपनी माँ के साथ घर घर जाकर सफाई आदि का काम करती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। विनीता, बबली में कैसा हुनर है? मीनाक्षी जी, गरीब घर में रहने के बावजूद भी दूसरे मेकअप आर्टिस्ट को देखकर व टीवी के माध्यम से बबली को मेकअप की बारीकियां आती हैं। अरे वाह, यदि बबली के हुनर को तराशा जाए तो वह एक सफल ब्यूटीशियन बन सकती है। परंतु संजय बस्ती जैसी कॉलोनी में बबली की कला की कद्र कौन करेगा, और वह अपने इस हुनर को किस प्रकार और अच्छा बना सकती है? वो कहते हैं ना, समस्या अपना समाधान साथ लेकर जन्म लेती है। उसी तरह हुनर तो सब में होता है, बस उसे इस्तेमाल करने का कोई सही तरीका, कोई सही राह दिखा दे तो कदर करने वालों की कमी नहीं है दुनिया में। जैसे मैंने कहा था, समाधान है। ऐसे हुनरमंद बच्चों के लिए ही कौशल विकास मंत्रालय ने NSDC यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के ट्रेनिंग सेंटर यानी प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से देश भर में 3500 से भी अधिक ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं, जो बबली जैसे कई युवतियों और युवकों को अपने हुनर को संवारने में मदद करते हैं। अच्छा, तो क्या वहाँ ब्यूटीशियन का कोई विशेष कोर्स होता है? यकीनन, इस प्रकार के विभिन्न कोर्स करवाए जाते हैं। इन कोर्सों का सिलेबस इत्यादि सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा निर्धारित किया जाता है। मीनाक्षी जी, फिर तो ये कोर्स महंगा होगा। नहीं विनीता, यही खासियत है इस पूरी योजना की। यह योजना हर किसी की पहुंच के अंदर है। इस कोर्स में बड़ी मामूली फीस देनी पड़ती है, साथ ही साथ इस कोर्स के बाद एक अच्छी नौकरी मिलने की भी संभावना बढ़ जाती है। मीनाक्षी जी, तो क्या कोर्स खत्म होने के बाद ट्रेनिंग प्रोवाइडर नौकरी दिलवाने में मदद करते हैं, और किस प्रकार की नौकरियां मिलेंगी? हाँ, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स मदद करेंगे। इस क्षेत्र में पेडिक्योरिस्ट, मैनिक्योरिस्ट, असिस्टेंट ब्यूटीशियन आदि की नौकरी मिल सकती है। और अगर इस कोर्स के बाद अपना खुद का काम शुरू करना चाहें, तो क्या सरकार इसमें कोई आर्थिक मदद करेगी? जी बिल्कुल करेगी, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। महिलाओं को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए सरकार ने एक सुविधा महिलाओं को तोहफे के रूप में दी है, भारतीय महिला बैंक। और साथ ही पंजाब नेशनल बैंक ने भी महिलाओं और युवतियों के लिए खास लोन की स्कीम निकाली है, ताकि वो खुद का ब्यूटी पार्लर, सैलून या स्पा खोल सकती हैं। अच्छा मीनाक्षी जी, तो यह लोन किन किन चीजों के लिए मिलता है? विनीता, यह लोन सारे इक्विपमेंट्स या उपकरण से लेकर पार्लर के निर्माण और दिन प्रतिदिन के खर्चे तक उठाता है। यह लोन कितने समय में चुकाया जा सकता है, तथा इस पर कितना ब्याज देना होगा? यह लोन 20 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं के लिए मान्य है। इस लोन को आप 7 साल में 12% ब्याज के साथ चुका सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए बबली किसी भी दिल्ली के ट्रेनिंग सेंटर में जा सकती हैं, अथवा 8800784667 पर कॉल कर सकती हैं। बबली स्किल ट्रेनिंग सेंटर की हेल्पलाइन नंबर 0800055555 में मिस्ड कॉल देकर जानकारी ले सकती हैं। अरे वाह, तो आज तक जिसे शौक कहते थे, वो एक हुनर है हर किसी के अंदर। चलो सीखें एक नया हुनर और चले काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। तो बबली, सुना तुमने किस तरह से तुम अपने हुनर को एक नई दिशा दे सकती हो, साथ ही साथ घर में आर्थिक योगदान भी कर सकती हो। अब तुरंत नजदीक के स्किल ट्रेनिंग सेंटर की हेल्पलाइन नंबर 0800055555 जो है 0800055555 से संपर्क करके आज ही दाखिला ले लो। धन्यवाद मीनाक्षी जी, हम समय समय पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। नारायण नारायण। देखा विनीता,
तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया है ना? कौशल विकास मंत्रालय न केवल प्रशिक्षण प्रदान करता है बल्कि इसके पश्चात नौकरी भी दिलाने में मदद करता है। यदि कोई युवक या युवती इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद नौकरी करने के बजाय स्वयं यह व्यवसाय खोलना चाहें तो इसके लिए भी लोन आदि की सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। बबली को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। उसे तुरंत पास के प्रशिक्षण केंद्र से संपर्क करना चाहिए। वाह नारद जी, आपकी इस बहुमूल्य जानकारी के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। विनीता, एक बात याद रखो, कौशल भारत कुशल भारत। नारायण नारायण। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफा। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। रात की मेहनत रंग लाएगी, अब सुबह पे हक जता ले, अंधेरों से बढ़कर होती है उजाले की उमर। उमर तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। अपने हाथों की गर्मी से सूरज सुनहरा रोशन कर ले, मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर, जाएगा तू जिधर जिधर, मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। सैकड़ों कोर्सेज में से मैंने चुना अपना मनपसंद कोर्स, अब आप भी चुनिए सफलता की राह। मिस कॉल दीजिए 0880055555 पर। हुनर है तो कदर है। दोस्तों, यह था हमारा आज का एपिसोड, आपका हुनर आपकी पहचान। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड में उठाए गए सवालों को हम लोगों ने आपके सामने पेश किया। आज हमारे देश में बबली जैसे बहुत से युवा हुनर रखते हुए भी सही जानकारी और जानकार ना मिलने के कारण अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत NSDC द्वारा संचालित ट्रेनिंग सेंटर है, आपके आसपास भी होंगे, तो आज ही फोन उठाएं और अपने हुनर को तराशने के लिए सही राह पाए। नंबर है 8800784667, 8800784667। यदि हम सब मिलकर ऐसे युवकों और युवतियों को इस राह पर ला सकें, तो विश्वास मानिए कि आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। याद रहे, कौशल भारत कुशल भारत। यह एपिसोड आपकी सेवा में कौशल विकास मंत्रालय के सौजन्य से दिल्ली यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज द्वारा पेश किया गया। इसमें भाग लिया है मिस विनीता चावला, मिस हीना वशिष्ठ, मिस मीनाक्षी मेहरवाल और श्री आरके सिंह ने। पटकथा लेखन विनीता चावला, सहयोग नीरज कुमार, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग श्री आइसेक जॉन और जाकिर हुसैन, मार्गदर्शन व संचालन सलाहकार दिल्ली यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। धन्यवाद। चलो काम करें, कुछ सीखें, कुछ नाम करें, कुछ तुम जानो कुछ मैं जानूं, मिलजुल कर नए कमाल करें। चलो काम करें, चलो काम करें, चलो बिजली बनाए, चलो कार बनाए, हंसता खेलता परिवार बनाए, हो दुनिया में देश का नाम करें। चलो काम करें। चलो सीखें एक नया हुनर और चलें काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से।